आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर नशीन रियासती वक्फ मोहम्मद सलीम ने यतीम खाने अनीस-उल-गुरबा की सात मंजिला इमारत की तामीर के काम को तेज़ी से अंजाम देने के लिए कंट्रैक्टर को मजीद 2,65,00,000 रुपये का चेक हवाले किया। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि अब तक वक्फ बोर्ड ने जुमला 8,65,00,000 रुपये जारी किए हैं ताकि तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। ताहम ये बात गौरतलब है कि अब तक 4 मंजिलों के छत तैयार हो चुके हैं जिसमें अस्तरकारी और दीगर काम अभी बाकी हैं। हालांकि तामीर मुकम्मल करने के लिए 2 साल की मुदत मुकर्रर की गई थी। अब देखना यह है कि कितने अरसे में इस इमारत की तामीर मुकम्मल हो सकेगी। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि कल उन्होंने महीने के दौरान ताखिर की वजह मालूम की थी। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एम महमीद के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। आज चेक्सी दे दिए हमको 2,65,00,000 का, जो बैलेंस था वो भी दे दिया हम। और काम जो है ना, क्योंकि CM साहब फाउंडेशन रखे और CM साहब गवर्नमेंट से ही जो है ना गारंटी नेट आ रही हो, गारंटी नेट से जो है हम लोग पैसा दे रहे हैं बोर्ड की तरफ से। क्योंकि अभी तक 6 करोड़ दिए, फिर ये 2,65,00,000 मिला के 8,65,00,000 रुपये हुए। और 1.5 साल का टाइम जो दिए वो टाइम में होना है और 4 महीने में कंप्लीट करना बोल के अभी उनको वार्निंग वही बात करके बोले हैं, क्योंकि 4 महीने में होना ही होना है काम। क्योंकि कमर्शियल बिट है वहाँ, एक एक दिन इम्पॉर्टेंट रहता, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल भी हम लोग ऑफिसों के लिए भी या शॉप्स के लिए भी दिए, तो वो भी इनकम मार खा रही है हमारी। तो उसके लिए जो ना हम रात दिन वार फुटिंग पर काम करके हमारे को 4 महीने में हमारे को हैंड ओवर करना बिल्डिंग बोल के अभी RMB के ऑफिस साहब को भी और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सबको वही अभी बताए हो। और दूसरी चीज़ जो है, कल फिर 2 बजे जो है हम लोग, मैं AK खान और हमारे शाहनवाज कासिम साहब CEO डायरेक्टर, हम लोग सब मिलके कल और एक विजिट कर रहे हैं। कल वहाँ करके जो है ना उसको ऑफिस बनाएंगे या नीचे कमर्शियल बनाएंगे वो कल डिसाइड करना है। कल नीचे का ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस को देंगे या जो है शॉप्स बनाएंगे वो भी थोड़ा उसको डिसाइड करके जो है ना कल वो भी थोड़ा फाइनल करेंगे थोड़ा ये है सो। और इंशाल्लाह जो बोले वो हिसाब से जो ना काम हो रहा और जल्द से जल्द होने का है, इंशाल्लाह हो जाएगा। 20 से 22 करोड़ रुपए तक लगने का है। ग्राउंड प्लस 7 है ना, ग्राउंड प्लस 6 है और 3 सेलर है, दो सेलर है, ग्राउंड प्लस 6 है। इंशाल्लाह जो है ना वहाँ पर हॉस्टल रहेगा और बच्चे जो है ना अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे वहाँ पर, जैसा बड़े स्कूलों में बड़े लोग पढ़ाते वैसा हम गरीब बच्चों को जो है यहाँ पर अच्छे टीचर्स को लगा के अच्छे पैमाने पे KCR साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा जो है ना मैनेजमेंट रहेगा यहाँ पर। क्योंकि गवर्नमेंट से गारंटेड KCR साहब जो है ना पूर पीपल को जो है ना कैसा इंकरेज करना बोल के KCR साहब बोले हुए हैं और उसी तरीके से KCR साहब अमल भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम उसको जो है ना कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द बिल्डिंग कंप्लीट करके KCR साहब आके इनॉग्रेशन करेंगे। 2017 में KCR साहब इनॉग्रेशन करे, आज 2019 भी ख़त्म होने आ रहा है, जब हो के 2 साल हो गया तो अब तक काम खत्म नहीं हुआ, तो आप 4 महीने में क्या गारंटी है कि खत्म होगा? अगर नहीं हुआ तो आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे? नहीं, वो अगर काम नहीं हुआ 4-5 महीने में तो एक्शन तो लेते ही लेते कैसा भी, क्योंकि खामोश कोई भी नहीं बैठते। अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि वो कुछ प्लान्स वगैरह के लिए लेट हुआ, वो प्लान्स वगैरह सब दे दिए और अल्लाह चाहे तो वार फुटिंग पे काम होगा। मैं अभी RMB के हमारे ऑफिस साहब को भी बोले हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को भी अभी बात करके उनको चेक भी दे दिए। अभी कोई हम पैसा देना लेना नहीं है, जैसा काम होगा जैसा बिल आएगा वैसा हम पैसा देते रहेंगे, पैसा रेडी है हमारे पास। बोर्ड में टोटल अब तक कितना अमाउंट है उनको? 8,65,00,000 दे दिए। तो कितने साल का एग्रीमेंट था हमारे सलीम साहब के? 1.5 साल। 1.5 साल में कितने फ्लोर के बनाने का था? 6 फ्लोर। 6 फ्लोर, तो 1.5 साल में कितने फ्लोर बनाते? कितने? 4 स्लैब डाल दिए लोग। 4 स्लैब डाले। असल में क्या है, कंस्ट्रक्शन को नीचे से ऊपर लाने में प्रॉब्लम होता, सिलर खोदने में पत्थर उत्तर ये सब चीज। अब ऊपर एक बार आगे नहीं आने के बाद में उसको टाइम नहीं लगता उसको। अरे भाई 1.5 साल बोल के दिए, 1-2 महीने इधर उधर होते, 1.5 साल ही बोल के नहीं बैठ सकते। घर बनाए तो 1.5 साल हो जाता, वहाँ पर 2 साल हो जाते। ये बड़ा टावर बन रहा सो है। नहीं साहब, आप जो बोल रहे हैं सही है, जब एग्रीमेंट पे 1.5 साल का जब जो करे हैं, 1.5 नहीं 2 साल 2.5 साल। नहीं, और फ्लोर जाने के आस्ते में कम से कम 2.5 से 3 साल लगते हैं। नहीं 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 लगते,
चार महीने का टाइम दिया, चार महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बीस करोड़ रुपए का है, उसमें एक करोड़ कम भी हो सकते हैं, एक करोड़ ज्यादा भी हो सकते हैं, 21 करोड़ 22 करोड़ भी हो सकते हैं, काम पे हो। टाइम पीरियड अगर जब खत्म इनका हो गया तो उस दौरान में आप क्या करेंगे? वो जब की बात, जब करना, जब अब नहीं करना बात। चलिए ट्रांजैक्शन करेंगे, टेंडर कॉल करेंगे, जिसका रेट बढ़ के है उसको देंगे हम, देंगे हम। तो ये पब्लिक नोटिस डालेंगे? हाँ, पब्लिक नोटिस है कि ऐसा नहीं, कोई ऐसी खामोशी से नहीं कर सकते, अपने पास ओपन रहता हर चीज, पेपर में डाल के ओपन एक्शन करेंगे, जिसका रेट बढ़ के उसको देंगे। गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खुश है, पर अल्लाह के करम से लाइन ऑर्डर कंट्रोल है हमारा, हमारे पास ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का सबक दूसरे स्टेट वाले आके सीख रहे हैं यहाँ से, समझे? अब ये बीजेपी रहो और कोई भी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे को, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कर्शन से कर रहे हैं, ये 70 साल में काम नहीं हुआ। भगवन देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवन देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशंस फैसिलिटी एंड फार्मेसी। जूही क्लिनिक, थर्ड फ्लोर अबव रिलायंस ट्रेंड्स, बिसाइड डी मार्ट, टोली चौकी, शेखपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे के आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।